हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई कि बंदे मुझे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि आप एमजेड के एड्स हम अपनी वेबसाइट पर कैसे उसको सेट कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप मिस करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे हम एमजेड के एड्स को जो उसका लगना चाहिए अच्छे वे में वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने गूगल क्रोम ओपन किया तो ये मेरा एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने ब्लॉगर पे काफ़ी टाइम पहले बनाया था, लेकिन मुझे इस पर इतना अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिल रहा है। लेकिन अभी मैंने इस पर एमजेड के ओनली एमजेड के एड्स लगाए हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सारे एमजेड के एड्स हैं। और मैं इसको आपको बताने वाला हूँ कि आप भी ऐसे कैसे सेटअप इसको कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ये एमजेड के अकाउंट है इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, वरना आप कहेंगे कि स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो, इस वजह से मैं इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो अभी मेरा इस पर विजिटर कम है। पहले इसमें बीच में ट्रैफिक आया था काफ़ी, तो अभी मैं जो पहले इस पर लिंक शेयर करता था उस पर मैं अभी लिंक शेयर करना बंद कर दिया हूँ, इसलिए इसमें ट्रैफिक जो है कम हो गया, इसलिए रेवेन्यू कम है। तो अभी मैं इस पर कॉन्टेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस पर कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा तो गूगल के भी एड्स लगाएंगे इस पर, तो और साथ के साथ एमजेड के भी एड्स रन होंगे। ठीक है गाइस, तो अभी मैं लिंक शेयर नहीं करता हूँ, जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं अपने लिंक शेयर करता हूँ उससे ट्रैफिक आता है, तो अभी मैंने ये थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी समय पहले ब्लॉग बनाया था, आज़ादी बी एंड पी 2020.blogspot.com। तो इस पर मैं सबसे पहले आपको एड्स कैसे लगाते हैं ये कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एड विजिट पर। ठीक है, एड विजिट पर आप क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक तो इसकी जो आपके कंटेंट के जो बीच में आप ऐड लगाते हो वो वाले ऐड भी आप कैसे लगा सकते हो। देखिए, इसमें काफ़ी टाइप के ऐड दिखाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करोगे एडिंग न्यू, तो इसके बाद इसको डेस्कटॉप पे ये ऐसे दिखाई देंगे, मोबाइल पे ऐसे दिखाई देंगे, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप का कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइड बार की ऐड लगाना है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आपको हेडर में लगाना है तो इस पर क्लिक करना है। इन आर्टिकल, आपको आर्टिकल के अंदर एड्स लगाने हैं तो आपको इस तरीके से क्लिक करना है। और फिर अंडर आर्टिकल विजिट, जो आर्टिकल का अंडर यानी उसके नीचे ऐड लगाना चाहते हो तो फिर आप इस पर क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको हेडर में ऐड लगाते हैं। ठीक है, तो हेडर में, चलिए हेडर में तो हाँ सारे में तो लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें इन आर्टिकल आर्टिकल में ऐड लगाते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ इन आर्टिकल, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया इन आर्टिकल है, तो आपको आर्टिकल में ऐसे ऐड्स दिखाई देंगे, ये दिखा रहा है ना ऐसे। उसके बाद मोबाइल में कैसे, मोबाइल में ऐसे ऐड आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। उसके बाद इसको ऑफ रहने देना, ऑटो प्लेसमेंट उसको ऑफ रहने देना, जैसा है वैसे ही आपको करना है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका नेम अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में आर्ट एड्स। ठीक है, इससे मुझे ध्यान रहेगा कि आर्टिकल ऐड है ये। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो सेव है इस पर क्लिक कर देना है, ये सेव है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोड जनरेट करके देगा, वो कोड को आपको अपने ब्लॉग में आपके जो वर्डप्रेस यूज़ करते हैं उसमें आपको पेस्ट करना है। इसको जनरेट होने देते हैं, उसके बाद ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस, अभी ये जनरेट हो रहा है कोड में था। ये हो गया। ठीक है, तो आपको ये वाला कोड कॉपी नहीं करना है, आपको ये वाला यहाँ से यहाँ तक खुद इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, इसमें कॉपी कर ले या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है अपने ब्लॉगर जो भी वेबसाइट है आपको, उसके बाद इसके लेआउट में जाना है। उसके बाद लेआउट में क्लिक करने के बाद आपको आर्टिकल के अंदर जो भी इसका सेक्शन होगा, देखिए आपको अगर हेडर में लगाना है तो हेडर में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है उसके अंदर जैसे मेन एड्स हो गया ये, ठीक है, और जो ब्लॉग पोस्ट है इसके अंडर लगाना है मुझे। तो ये मेरा जो पोस्ट एड एक है, जो मेरा उसके पोस्ट एड उसमें दिखाई देगा, तो इसमें भी हम पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए एड लगे हुए हैं, अगर मैं इसके अंदर एक कोड और पेस्ट कर देता हूँ ये वाला, ठीक है, तो मैं इसे इसके अंदर एक कोड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ये मैंने ये वाला जो अभी का था ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड लगाया है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पे लगाया है हमने, ये बिफोर फॉर कंटेंट है ना, यहाँ पे हमने इसको ऐड लगाया। ठीक है, तो ये अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये मैंने इस पे सारा कंटेंट आपको पता होगा, ये सारा कॉपी किया हुआ कंटेंट है, तो मैंने बहुत ही कम इस पे लिखा है, वरना मैंने सब कन्वर्ट करके तो कॉपी करके इस पे लिखा हुआ कंटेंट। मैं इस पर वर्क नहीं करता वेबसाइट पे। उसके बाद मैं कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे ये वाला लिंक ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
सॉरी वेबसाइट निकल गया था मेरे से, तो ये वाला हमने लिंक ओपन कर लिया ठीक है। तो ये तो मेरे पहले से लगे हुए थे आपको जो ये, ठीक है, ये भी पहले का है। तो अभी जो हमने ऐड लगाया ये पहला कोड था, ये दूसरा कोड है, और ये वाला जो आ गया अभी मैंने आपको दिखाया ना आर्टिकल, तो ये वाला ऐड आया है। ये वाला जो अपने अभी जो ऐड लगाया है इसमें गूगल एडसेंस की तरह नहीं है, उसमें गूगल एडसेंस में क्या है कि आपको 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम देता है उसके बाद शो करता है, लेकिन इसमें आपको जैसे ही आप कोड को पेस्ट करोगे तो तुरंत आपको शो करने लगेगा ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको आपके सामने दिखाया था, ये जो इन आर्टिकल एड्स है ये पेस्ट करके दिखाया था। तो आपको ऐसे गूगल ऐसे ही आपको एड्स लगाने हैं एमजेड के ठीक है, गूगल एडसेंस के। तो उसमें बस एक सेटिंग करनी पड़ती है, ऑटो कर दो तो उसमें सारे ऑटोमेटिकली आपके एड्स आने लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आज इसमें पोस्ट डाला था जो रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके रिलेटेड ये मैंने पोस्ट डाला था। तो इस तरह से आप भी इसके एमजेड के एड्स लगा सकते हो गाइस ठीक है। तो इसके बाद मैं एमजेड के ऊपर एड्स कैसे लगाने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।